खनिज विभाग पुलिस और प्रशासन द्वारा की जा रही मनमानी से तंग आकर हड़ताल पर गए रेत गिट्टी और बालू कारोबारियों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। मंगलवार को आयोजित की गई एक मीटिंग में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद रेती गिट्टी और बालू का परिवहन एवं विक्रय करने वालों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित करने का फैसला लिया है। दरअसल दो दिन से चली आ रही रेती गिट्टी और बालू व्यवसायियों की हड़ताल के बाद मंगलवार को उनकी एक बैठक आयोजित की गई जिसमें खदान मालिक भी सम्मिलित हुए। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव की ओर से बतौर प्रतिनिधि शामिल हुए उनके बड़े भाई और खनन कारोबारी नारायण यादव ने हड़ताल पर गए रेत गिट्टी बालू कारोबारियों की उच्च शिक्षा मंत्री से दूरभाष पर बात कराए और उनकी समस्या के बारे में जानकारी दी। इस पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने हड़ताल पर गए रेत गिट्टी और बालू कारोबारियों को आश्वस्त किया कि वे उज्जैन आकर इस संबंध में कलेक्टर से चर्चा करेंगे और उनकी समस्याओं का उचित हल निकलवाएंगे। उच्च मंत्री की ओर से मिले आश्वासन के बाद रेत गिट्टी और बालू का परिवहन और विक्रय करने वाले कारोबारियों ने हड़ताल स्थगित करने का फैसला किया। रेत गिट्टी बालू विक्रेता एवं परिवहन संघ के कुशल राठौर के मुताबिक उच्च शिक्षा मंत्री ने फोन पर आश्वस्त किया है कि उनकी उन सभी समस्याओं को कलेक्टर के सामने रखेंगे और उचित हल निकलवाएंगे जिनकी वजह से रेत गिट्टी बालू कारोबारियों को परिवहन एवं विक्रय में परेशानी आ रही है। इसी आश्वासन के बाद हड़ताल को स्थगित किया गया है। हम लोग 25 तारीख से हड़ताल पे थे, डंपर वाले, खदान वाले और सप्लायर लोग, हम सभी 25 तारीख से लगातार हड़ताल पे थे। सरकार से हमारी कुछ मांगे थी जो हम बनवाना चाह रहे थे। आज हमारे आदरणीय नारायण यादव जी आए प्रतिनिधि के रूप में, मंत्री साहब के प्रतिनिधि के रूप में। उन्होंने हमारी बात मोहन जी जो हमारे मंत्री जी और मुख्य उन तक पहुँचाई है और हम सहमत हैं उनकी जो उन्होंने हमें समझाया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो आपकी समस्या है उस पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी। हम लोग उनसे पूरे आश्वस्त हैं तो हम लोग कल से हड़ताल हमारी समाप्त करेंगे। कल विधायक जी हमारा पक्ष जो है माननीय कलेक्टर साहब के समक्ष रखेंगे और हमारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। मोहन जी का ये आश्वासन है, उस आश्वासन के आधार पर हम कल अपने हड़ताल को ख़त्म करेंगे।